इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन हाउ ऑप्शन वर्क सो वी व्यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी सोल्ड एंड परचेज इन द फाइनेंशियल मार्केट्स सो ऑप्शनस भी इसी तरह से एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है जिसके बेसिस के ऊपर हम कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को अंडरटेक कर सकते हैं उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिफोर वी अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये होती क्या है सो so, ऑप्शन जैसे कि नाम इसका बता रहा है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बायर को ये राइट दिया जाता है कि वो एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद जो प्री स्पेसिफाइड डेट है जिसको हम मचॉरिटी डेट कहते हैं उसके ऊपर एक प्री स्पेसिफाइड पहले से मालूम हुई मुतिन हुई हुई प्राइस के ऊपर एक सर्टन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय कर सकता है तो जब मैं कह रही हूँ कर सकता है का मतलब है ऑप्शन है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो हर हालत में करेगा सो दैट इज़ वाई वी गो देर आर अ नंबर ऑफ़ पीपल और नंबर ऑफ कंपनीज़ स्पेकुलेट बेस्ड अपॉन ऑप्शन दे गो फॉर ऑप्शनस और ऑप्शनस हमारे पास दो तरह दो तो, तरह की होती है कि अगर आप अपने किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जो आपके पास है या आप किसी से बोरो करके मार्केट में बेचना चाहते हैं ताकि कीमतों के फ़र्क से आपको कोई फ़ायदा पहुंच जाए प्रॉफिट जनरेट हो जाए तो अगर आप एक स, कुछ टाइम पीरियड के स्पे, स्पेसिफाई कर देंगे ये वाली ता, तारीख के ऊपर हम इस कीमत के ऊपर इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को वो कोई फॉरन एक्सचेंज हो सकता है वो कोई करेंसी हो सकती है वो कोई स्टॉक हो सकता है वो कोई बॉन्ड्स हो सकती हैं उसके ऊपर आप ये डिफ़ाइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को लिखते हैं कि हम इस रेट के ऊपर फलां तारीख़ पे ये वाली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रज़ामंद है बेचने के लिए तो इसका मतलब है कि अभी जो आप ऑप्शन ले रहे हैं दैट वुड बी द पुट ऑप्शन ऑन द कंट्री अगर इसके साथ ही में हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है वो क्या है कि अगर आप पहले से मतायन शुदा तारीख के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं कि मुझे ये फलां कंपनी के स्टॉक्स को परचेज़ करना है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं सेलर से कि इस कीमत के ऊपर मैं आपसे ये खरीद खरीदूंगा, खरीद सकता हूँ ऑप्शन तो दैट वुड बी द कॉल ऑप्शन सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन ना वाई पीपल गो फॉर द ऑप्शन बेसिकली दे वॉन्ट टू जनरेट सम प्रॉफिट्स दे स्पेकुलेट बाय इन्वेस्टिंग इन द कॉल एंड द पुट ऑप्शंस एंड देन दर्ड बेनिफिट दे गो फॉर

सेल करने की ऑप्शन का मतलब है कि हम पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं वहाँ ज़रूरी है दो चीज़ों को पता पहले से डिसाइड करना वन इज़ द फिक्स प्राइस कि आप इस कीमत पे एक सर्टन टाइम पीरियड के ऊपर जाके इसको ख़रीद या फरोख कर सकते हैं चॉइस इज़ देयर इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन और दूसरी इस इस जो कीमत मुतन की जाती है कि जो फ्यूचर में कोई डेट है मेचोरिटी डेट उसके ऊपर किस कीमत पे आप इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को परचेज़ कर सकते हैं उस कीमत को हम ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं और वो डेट जिसके ऊपर जाके आप फाइनलाइज कर सकते हैं चॉइस है आपके पास आप वो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को ख़रीद सकते हैं बेच सकते हैं उस पर्टिकुलर डेट को हम एक्सपायरेशन डेट बोलते हैं सो देर इज़ एक्सपायरेशन डेट और मेचोरिटी डेट जिसका आपको पहले से पता होना चाहिए अगर आप ऑप्शन में कोई बिज़नेस करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं और दूसरी अहम बात है उसका एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस दैट दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज दैट आर इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर द कॉल ऑप्शन और द पुट ऑप्शन नाउ हाउ डू दे एक्चुअली वर्क उसके लिए हमारे पास दो तरह के ऑप्शनस मौजूद हैं अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है ऑप्शनस में तो आप किस तरह से कर सकते हैं एक तरीका ये है कि कुछ ऑप्शंस एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं सो देर आर सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्लेसेस फाइनेंशियल मार्केट्स जिनको हम बोलते हैं उनको हम कह रहे हैं कि वो एक्सचेंज है ऐसा एक जगह है जहां आप ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं और जब आप एक्सचेंज ट्रेड ट्रेडेड ऑप्शंस की बात करते हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर के वहां पे जो स्ट्रीटेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है एक्सचेंज के वो आपको फॉलो करने होते हैं अभी दूसरा चॉइस ये है कि देर आर देर इज अनादर कैटेगरी ऑफ ऑप्शन जिसको हम कहते हैं ओवर द काउंटर ऑप्शन उसका मतलब ये है कि वो ऑप्शन जो कि एक सोफिस्टिकेटेड मार्केट प्लेस में यानी कि एक्सचेंज पे जैसे स्टॉक एक्सचेंज है उसी तरह से ऑप्शंस का एक्सचेंज है वहाँ पे अगर वो नहीं खरीद और फरोख्त हो होते तो इसका मतलब है कि ऐसे ऑप्शनस को हम ओवर द काउंटर ऑप्शन कहते हैं जिसके ऊपर इतने स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड रेगुलेशन उनको मॉनिटर नहीं कर रहे होते नाउ जो ऑप्शन है इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया देर आर टू एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू नो इफ वी आर गोइंग फॉर ऑप्शंस वन इज द एक्सपायरेशन डेट एंड द सेकेंड इज द स्ट्राइक और द एक्सरसाइज प्राइस